अंबानी परिवार के लाडले छोटे बेटे अनंत अंबानी इन दिनों दो वजहों से चर्चा में हैं। एक तो राधिका मर्चेंट के साथ उनकी शादी होने जा रही है, दूसरा उन्होंने अपना ड्रीम प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वनतारा। वनतारा दरअसल एक एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैब प्रोग्राम है जो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में काम कर रहा है। इसे रिलायंस के जामनगर में 3000 एकड़ के ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है। इस ग्रीन बेल्ट को जानवरों के लिए जंगल की तरह उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो घर जैसा महसूस कर सकें। आइए आपको बताते हैं इस एनिमल रेस्क्यू सेंटर की क्या खासियत है। वनतारा में सभी पशु पक्षियों का खास ध्यान रखा जाता है। वनतारा की फैसिलिटीज किसी 5-स्टार हॉस्पिटल की फील देता है। 3000 एकड़ में फैला वनतारा में स्टेट ऑफ आर्ट एलिफेंट सेंटर भी है। इसमें हाइड्रोथेरेपी पूल, वाटर बॉडी और हाथियों के आर्थराइटिस के इलाज के लिए जकूजी भी है। यहाँ 500 लोगों का प्रशिक्षित स्टाफ हाथियों की देखभाल करता है। इसमें 25,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें हर तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ बचाव करके भारत के हर एक कोने से हमने यहाँ हाथी लाया है। हम हाथी का सेवा करते हैं। यहाँ खाली सेवा का कार्य होता है, ये चिड़ियाघर नहीं है, ये सेवालय है। यहाँ मैं खुद मानता हूँ कि श्री गणेश हाथियों में विराजते हैं और वो एक स्वरूप है, तो मैं गणेश का सेवा के भाव से हाथियों का सेवा करता हूँ। एलिफेंट सेंटर में 14,000 स्क्वायर फीट का किचन भी है जहाँ हाथियों को पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना परोसा जाता है। इसमें उन्हें मिलेट ग्रास, केले, भुट्टे और खिचड़ी तक खिलाई जाती है। सेंटर में आयुर्वेद का इस्तेमाल भी किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड में डायरेक्टर अनंत अंबानी के मुताबिक वनतारा प्रोग्राम में जानवरों के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर हॉस्पिटल, रिसर्च और एकेडमिक सेंटर खोला है। इस कार्यक्रम के तहत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और संस्थाओं से भी हाथ मिलाया गया है। पशु, प्राणी, पक्षी सबके लिए जो हमने यहाँ अस्पताल बनाए हैं, इसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये हॉस्पिटल में MRI मशीन है, ये हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन है, एंडोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते, 6 सर्जिकल सेंटर्स है जिसे हम सर्जरी रूम भी कहते हैं अस्पताल में, लैब है। ये भारत का और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि विश्व का सबसे अच्छा लैब है ये हॉस्पिटल में। हमारे पास इन पेशेंट, आउट पेशेंट, ICU भी है जंगली जानवर के लिए, और हमारे पास ये हॉस्पिटल में जो सबसे जो हॉस्पिटल सबसे कठिन चीज़ जो हम यहाँ करते हैं वो है कि हम यहाँ प्रोस्थेटिक्स जानवरों के लिए लगाते हैं। अनंत बचपन से ही जानवरों के लिए नरम रुख रखते आए हैं और उन्हें ये सीख अपनी माँ नीता अंबानी से मिली है। मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी और पापा, मम्मी बचपन से ही वो जानवर का बहुत प्रेमी थे, और जब वो छोटे थे उन्होंने 30-35 जो अनाथ कुत्ते होते हैं जंगली, जो हमारे सड़क पे जो कुत्ते मिलते हैं, उनको पाला था और पोसा था। बचपन से ही मैंने ये काम चालू किया, और जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर, जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है, तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत जरूरी था। वनतारा प्रोग्राम के तहत पिछले कुछ सालों में 200 से ज्यादा हाथियों, पशु पक्षियों और सरीसृप को बचाया जा चुका है। अब कार्यक्रम के तहत राइनो, तेंदुओं और मगरमच्छों को बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। फिलहाल वनतारा में 200 हाथी, 300 तेंदुए, बाघ, शेर और जैगुआर हैं, साथ ही 300 हिरन और 1200 से ज्यादा मगरमच्छ, सांप और कछुए भी हैं।